हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 मेंशनेशन का क्वेश्चन नंबर 1 का बी का सी डी और ई पार्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सी पार्ट क्या है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इतना। ठीक है, एक सिलेंडर आपको यहाँ पे दिया गया है, इसका वॉल्यूम कितना है 2376 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर बोलता है इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका डायमीटर कितना यहाँ पे दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, तो बताइए उसका हाइट कितना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा डायमीटर है, तो हम रेडियस यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे रेडियस कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरे को डायमीटर दिया है और रेडियस पता करना है तो हम उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। कितना हो जाएगा 2 × 2 = 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा रेडियस। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं हाइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको 2376, अभी हम यहाँ पे यूनिट नहीं ले रहे हैं, 2376 वो हम लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो लिखिए 6 × 6 इंटू हाइट तो आपको निकालना ही है। ठीक है, तो हम आगे यहाँ पे क्या लिखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल, यानी 2376 × 7 कर लिया इक्वल्स टू 22 × 6 × 6 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा इंटू एच, अब एच इक्वल्स टू हमको यहाँ पे क्या लिखना है 2376 × 7 बाई 22 × 6 × 6 यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको इसको हम 2 से कट कर देते हैं, 2 × 2 = 2। ठीक है, फिर किसे कट किया 2 × 2 = 2 फिर से 2 हो गया। ठीक, और 2 × 8 = 16 फिर से हम इसको 11 से कट कर सकते हैं, 11 × 11 फिर यहाँ पे 11 × 11 फिर यहाँ पे क्या उतरेगा बीच में 0 और फिर हो जाएगा 11 × 8 = 88 यहाँ पे मेरा होगा। ठीक है, अब फिर से चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम 6 से कट कर सकते हैं। ठीक है, 6 × 6 = 6 ठीक है, कितना बचा 4 × 6 = 48 ठीक है, अब फिर हम इसको 6 से कट कर सकते हैं, 6 × 6 = 6 6 × 3 = 18 ठीक है, तो यानी h इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाए यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ पे 7 ठीक है, नीचे तो कुछ बचा नहीं, क्या हो जाएगा 7 × 3 यानी h इक्वल्स टू हो जाएगा 21, यूनिट हमारा क्या था सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द सॉलिड रिप्रेजेंटेड बाय द व्यूज गिवन बिलो। ठीक है, तो एक कोई आपको सॉलिड यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका टॉप व्यू दिया है, ये फ्रंट व्यू दिया है, ये साइड व्यू दिया है। ठीक है, ये क्या शेप बना रहा है यहाँ पे, ये ट्रेपेजियम बना रहा है। ठीक है ना, जैसे देखिए टॉप ये ऊपर से आपको इस तरह से दिख रहा है, फ्रंट का मतलब इधर सामने से आपको फ्रंट से दिख रहा है इस तरह से, देखिए यहाँ पे ट्रेपेजियम बना हुआ है, और साइड साइड से भी आपको यहाँ पे ट्रेपेजियम दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पे फिगर बनाना है कि ये कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप सिंपल सा ये बात समझे, जैसे अगर कोई घर बनाता है तो हम वहां पर पिलर बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिलर नीचे क्या रहेगा, ये देखिए स्क्वायर शेप में भी रहेगा और ऊपर भी ऐसे सीधा जाता है। ठीक है, तो पिलर को आप समझिए ऊपर से आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके का फिगर आपको यहाँ पे बनेगा, तो सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पे कि एक यहाँ पे पैरेललोग्राम आपको बना लेना है, पहले एक यहाँ पे छोटा पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे एक आपको बड़ा पैरेललोग्राम, इसे थोड़ा सा बड़ा आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे बना लिया, दो पैरेललोग्राम बनाना है। अब क्या करना है कि ये जो यहाँ पे इसका ऊपर वाला जो है कॉर्नर है, इसको यहाँ पे ऊपर वाले से आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने मिला दिया इसको कुछ इस तरीके से, ऐसे मिला दिया, और इस नीचे वाले को कहाँ मिलाना है, फिर आपको यहाँ से नीचे वाले में इस तरीके से ऐसे मिलाना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर ये देखिए नीचे वाला है, तो ये आपको ले जाके यहाँ पे ऐसे नीचे में इसको मिलाना है, और ऊपर वाले को फिर से ये ऊपर वाले में आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ इसका व्यू यहाँ पे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ। एक आपके पास यहाँ पे क्यूबॉइड है और उसका आपको टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे पता करना है। ठीक है, उसका लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है आपका 8 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं, यहाँ
लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 × L + B + H, इस तरह आप लिख लीजिए, ठीक है। और यहां फिर क्या लिखना है, यहां B लिखना है और यहां H लिखना है और यहां पे L आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। अब हमको बस इसमें आपका वैल्यू पुट कर देना है। चलिए, 2 × लेंथ कितना आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्लस फिर ब्रेथ लिखा, ब्रेथ कितना आपका 8 सेंटीमीटर है, इनटू हाइट कितना है आपका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है प्लस, ठीक है, हाइट कितना है आपका फिर से 6 सेंटीमीटर है, इनटू लेंथ कितना है यानी स्टार्टिंग वाला 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 × इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है, इसको करना है, ठीक है। तो 10 × 8 जा कितना होता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 8 × 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 6 × 10 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 × इन सबको हम प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 188 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक। और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 188 तो कितना होता है 376 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आ गया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना निकला मेरा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, ठीक है। स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे वी पार्ट खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।